पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राघवेंद्र मीनू को सफाई कर्मचारियों ने पीट कर खदेड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जानबूझकर भाजपा के लोगों ने उनको पिटवाया है कि माहौल खराब हो और ऐसे जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना हो सके। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इसी मंशा से पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जिससे दंगे को कराया जा सके। आरोपों के बीच में आज सफाई कर्मचारी अरुण की मौत पर सियासत ने अलग मोड़ पकड़ लिया है। ये घटना बहुत मार्मिक है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस माँ का प्रलाप विलाप आपने देखा है, मेरी आंखों में भी आंसू हैं उस माँ के प्रलाप को देख के। किस तरह से उसने पुलिस को बचाने के लिए उसकी मर्डर किया गया है, ये नेचुरल मर्डर नहीं है, ये मर्डर पुलिस को बचाने के लिए किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें सिर्फ पुलिस कर्मियों का हाथ है, चोरी भी उन्होंने ही करी है, सब कुछ उन्होंने ही करा है। उसकी मां के बयान आपने लिए, आपका दायित्व बनता है इस बात को उठाइए आप। एसएसपी कह रहे हैं कि अपने आप जैसे भी है नेचुरल। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो गवाह है जो उसके सामने हुई घटना, मुझे अधिकारियों से सीओ शनिरा से बात हुई है और सच्चा अधिकारी कोई नहीं आया है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाई है, उसमें भी पूरी तरह से उल्लेख भी दिया गया है। तीन से दो का मुकदमा जिनके नाम नहीं खोले गए उनके नाम एफआईआर में खोले जाए, ये पहचाने की बुढ़िया उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए, 1 करोड़ का मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी, उसकी विधवा को, वो विधवा अपना जीवन कैसे काटेगी। आप लोग बताइए थाने की इतनी सिक्योरिटी में एक व्यक्ति कैसे चोरी कर सकता है। ये पुलिस अपना दबकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, रोजगार हो करेगा। निश्चित तौर पर दुखद घटना है, एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति गया है, उसके परिवार का और हमारे परिवार का एक सदस्य वहाँ गया है। निश्चित तौर पर जाँच का विषय है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 302 का मुकदमा कायम हो गया है दोषियों के खिलाफ। 302 का मुकदमा जो भी उस जांच में दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर कोई भी पुलिसकर्मी बख्शा नहीं जाएगा। किसी माँ का बेटा गया है ये दंडनीय अपराध है, इसका दंड दिया जाएगा, ये योगी जी की सरकार है। देखिए 302 का मुकदमा तत्काल प्रभाव से हुआ है और जांच के, देखिए ये वो सरकार है जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को भी जेल भेजती है और निश्चित तौर पर मानिएगा केंद्रीय राज्य मंत्री, देखिए मंत्री उसके बेटे को जेल भेजते, जांच में वो दोषी था, जो लड़के ने दोष किया था और दोषी जो भी पुलिसकर्मी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, वो जेल भी जाएंगे। ये सरकार जनता की सरकार है, यहाँ सारे लोग दिल्ली बैठे हैं और निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश हो रहे हैं, एक पैनल गठित होगा, उसका पोस्टमार्टम होगा, कोई भी पार्सलिटी नहीं होगी क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है और जब परिवार का एक सदस्य जाता है हम वासुदेव कुटुंबों की भावना पर राजनीति और राष्ट्रनीति करते हैं। अगर परिवार का एक सदस्य जाएगा इसका खामियाजा प्रत्येक दोषी व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ हमारी भी माँ है, ये योगी आदित्यनाथ जी का परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण रूप से सबसे विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे और 302 का मुकदमा होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर पर जेल जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यही चीज है, हम लोग हैं हमेशा शासन प्रशासन और जो गवर्नमेंट है हमेशा इसके साथ रहेगी और इस बार भी रहेगी। सर पीड़ितों का कुछ मांग है? जैसा मैंने कहा जो उनकी डिमांड है हमारे पास आ गई है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शासन प्रशासन और गवर्नमेंट हमेशा हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ होता है, उनकी जो भी चीज है, जो भी जन चीज है उनकी मांग पूरी की जाएगी। एक बार जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, सबसे महत्वपूर्ण इस कड़ी में साहब पीएम ठीक से हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, किसी को डाउट न रहे उसके, इसलिए हम लोग आए हैं सब इसका ठीक से न्यूट्रल तरीके से होगा। हमको सूचना मिला है पुलिस बरामदी करते समय एक आदमी का अचानक तबीयत खराब होते ही वो पुलिस कर्मचारी और प्लस उनका परिवारजन हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ पे मृत्यु घोषित हो गया था। वो सूचना मिलते में तुरंत डीएम साहब का रिक्वेस्ट कराया, पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से लिखना है और साथ साथ पैनल का साथ पोस्टमार्टम होना है वीडियोग्राफी के साथ साथ और एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस पूरा कार्रवाई होना है, निष्पक्ष जांच होना है और साथ साथ हमने तुरंत परिवारजनक से अप्लीकेशन लेके एफआईआर भी दर्ज कराया और उसी घटनाक्रम पर जो कर्मचारी जो बरामदी के लिए गया था उनमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का मैं तुरंत निलंबन करा दिया है और बाकी इंक्वायरी कमेटी एसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया पूरा घटनाक्रम का क्या है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। सर 302 की जो एफआईआर हुई है इसमें आगे क्या होने वाला है? उस पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और साथ साथ उनका परिवारजन का बयान होगा सब, बाकी घटनाक्रम की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी होगा और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगा इस पर, उसके आधार पर जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है।